हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद निदा। आज हम बनाएंगे छोले पनीर की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी छोला पनीर आज हम बनाएंगे और साथ में हम होममेड छोले मसाले की भी रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिए क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस छोले पनीर बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कप छोला लिया है, काबुली चना हमने लिया है, इसको हमने रात में भिगो दिया था। तो अब अच्छे से हम इसको वॉश करके हम प्रेशर कुकर में इसको डाल देंगे उबलने के लिए, जब तक छोला अच्छे से गल ना जाए। पानी हमें इतना डालना है, एक इंच हमें छोले चने के ऊपर हमें पानी आ जाए इतना हमें पानी इसमें डाल देना है। लगभग एक इंच ऊपर आना चाहिए। चने में अगर पानी सही से नहीं हम डालेंगे तो फिर पानी सूख जाएगा और फिर छोला गल नहीं पाएगा। तो अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले मिला देते हैं। दो हरी इलायची ली है, 3 से 4 हमने लौंग ली है और दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़पत्ते हमने लिए हैं। आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है इसमें और बस हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स। और अब हमें लीड लगा कर रख देना है जब तक चने हमारे बहुत अच्छे से गल ना जाए। तो जब तक हम होममेड छोले मसाले बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने धनिया लिया है, जीरा लिया है और 4 से 5 हमने सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग और दालचीनी का बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है और सौंफ हमने लिया है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है जब तक इसमें एक खुशबू ना आ जाए। तो देखिए बहुत अच्छे से बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पे मत करिएगा ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। फिर हमें इसको ठंडा करके इसका पाउडर बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे चना बहुत अच्छे से गल गया है, तो लगभग ये 5 से 6 सीटी में गला है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा गलने में। तो देखिए बहुत अच्छे से ये गल गया है। तो अब हम यहाँ पे हमने लिया एक पैन और अब हम यहाँ पे लिए 3 से 4 चम्मच ऑयल। प्याज हमने लिया है 2 मीडियम साइज़ के, इसको हमने बारीक सा चॉप कर लिया है। प्याज आप बारीक चॉप करके ही इसमें डालिएगा, स्लाइस में कट मत करिएगा। तो बस प्याज को हमें बिल्कुल लाइट गोल्डन कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन मत करिएगा। तो प्याज को हमें अच्छे से लाइट गोल्डन कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल लाइट सा गोल्डन, हल्का पिंकिश ही हमने रखा है प्याज को। तो अब हमें इसमें डाल देना है 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ में तो भूनना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसका कच्चापन तो रह जाता है, इसलिए अदरक लहसुन को भूनना बहुत ज़रूरी होता है। तो अदरक लहसुन को हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। तो हमने यहाँ पे टमाटर की प्यूरी ली है, ये हमने एक बड़े साइज़ की टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया था, बस इसको हमें डाल देना है। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो बस टमाटर के साथ में हमें कुछ देर भून लेना है प्याज और टमाटर को। तो ये थोड़ा सा हमने भून लिया है और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है और 1/2 चम्मच से कुछ ज़्यादा हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। नमक हमने ले लिया है क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च से सिर्फ कलर के लिए मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मैंने लाल मिर्च ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है छोले मसाले में तो ये ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तो इसलिए हमने बस कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए किया है, वो भी ऑप्शनल है। यहाँ पे 2 हरी मिर्च को मैंने 20 से चीरा लगा दिया है, उसको हमने डाल दिया है। तो बस मसालों को हमें बहुत अच्छे से भूनना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे मसालों को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है ताकि मसाला हमारा नीचे से लगे नहीं, और हमें मसालों को अच्छे से भून लेना है। मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून जाए इसलिए हम इसमें थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन लगा कर रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो देखिए 4 से 5 मिनट के बाद मैंने मसाला देखा है, मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून गए हैं और इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है जब मसाले बहुत अच्छे से भून जाते हैं। तो बस अब हमें इसमें मिला देना है उबले हुए काबुली चने, क्योंकि चना ऑलरेडी उबला हुआ होता है तो इसलिए हमें मसालों को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस काबुली चना डालकर हमें मसालों के साथ में अच्छे से हमें कर लेना है मिक्स। और तेज पत्ता को हमने निकाल दिया है क्योंकि उसका फ्लेवर आ चुका है छोलों के अंदर। तो बस अब हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है और अब हम इसमें मिला देंगे जो होममेड हमारा छोला मसाला है, उसको हम मिक्स कर देंगे। तो बस इसको हमें डाल देना है, आप चाहें तो इसका
पाउडर बनाकर आप घर में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आप छोला बनाएं तो ये मसाला आप यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो रेडीमेड छोला मसाला भी डाल सकते हैं। तो देखिए छोला मसाला डालकर भी हमें बहुत अच्छे से भून लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो हमने 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है, और अब हमने यहाँ पे लिया है पानी, बस थोड़ा सा हमने पानी डाला है। पानी ध्यान रखिएगा कच्चा मत डालिएगा, पानी आप गर्म करके ही डालिएगा, क्योंकि छोला हमारा पूरा पका हुआ है, मसाला भी पूरा भुना हुआ है। तो बस पानी आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो इसकी ग्रेवी मैंने थिक रखी है, और थिक ही अच्छी लगती है, पर आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लीड लगा दिया मैंने 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए और बहुत अच्छे से मसालों का फ्लेवर पूरा छोले में आ जाए। तो देखिए बहुत अच्छे से ये पक गया है छोला, और अब हम इसको हल्का सा मैश कर देंगे। चम्मच से हमें थोड़ा बहुत सिर्फ मैश कर देना है, ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो ये प्रोसेस आप चाहें तो करें, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इससे क्या होता है, ग्रेवी हमारी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो ये अब हमने लिया है 250 ग्राम पनीर, इसको हमने क्यूब्स में कट कर लिए हैं, और अब हमें इसको मिला देना है। बस पनीर डालकर हल्के हाथों से हमें चला लेना है। पनीर को हमने फ्राई नहीं किया है, पर अगर आप चाहें तो आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं। बस हल्का सा हमें चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना वरना पनीर टूट जाएंगे। और हमें फिर से लीड लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ हमें रख देना है, ताकि पनीर में भी अच्छे से मसालों का फ्लेवर आ जाए। बस लगभग 5 मिनट के लिए ही मैंने रखा था, और बहुत अच्छे से छोले पनीर हमारे बनकर तैयार है। तो देखिए ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है, ये खाने में उतनी टेस्टी भी होती है। तो यहाँ पे हमने डाला है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी छोले में बहुत ही टेस्टी लगती है, और पनीर में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा सा हमने डाला हरा धनिया, बस अच्छे से हमें कर देना है मिक्स, और छोला पनीर हमारा बनकर तैयार है। तो ये बहुत ही टेस्टी छोले पनीर बनकर तैयार होते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। काफ़ी यूनिक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी है। इसमें छोला और पनीर दोनों का टेस्ट बराबर होता है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, ताकि जितनी भी मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।